हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूड फॉर लाइफ। आज मैं शेयर करूंगी बची हुई दाल के पराठे की रेसिपी। कई बार ऐसा होता है हमारे पास एक या दो कटोरी दाल बच जाती है, उस दाल से ही हम बनाएंगे दाल के पराठे। ये बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट रेसिपी है और आप इसको दही, अचार, बटर के साथ खा सकते हैं। दाल के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप आटा, 2 चम्मच बेसन, 1 कटोरी दाल, उसमें मैंने डाला है हरा धनिया, साथ में मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, सॉल्ट एस पर टेस्ट। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स में हम डालेंगे 1 चम्मच दही, 1 चम्मच मलाई। दही और मलाई डालने से हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंथता है और पराठे भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो मलाई स्किप कर सकते हैं। प्याज भी लिया है, ये छोटा प्याज है, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम इस आटे को अच्छे से गूंदेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार ही मिक्स कर लें ताकि नमक और मिर्च अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। पानी लेंगे, आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए आटा गूंद लिया है, इसको अब हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। अब इसको आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं या फिर स्क्वायर भी रख सकते हैं। बीच में घी ज़रूर लगाएं, इससे हमारी जो परांठी है वो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। पराठा बेलते टाइम आप तवा भी ऑन कर लीजिए ताकि तवा साइड बाय साइड गर्म होना शुरू हो जाए। पराठे को अच्छे से बेल लिया है और तवा भी गर्म हो चुका है। अब हम इसको सेक लेते हैं। वर्किंग डेज के लिए बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। आप चाहे तो 1 कटोरी एक्स्ट्रा दाल बना के भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इस पराठे को बना सकते हैं। एक साइड से अच्छे से सेकने के बाद मैंने इसकी साइड टर्न कर ली है। आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, लो फ्लेम नहीं करें क्योंकि आटा बहुत जल्दी हमारा ड्राई होने लगता है और पराठा सूखा सूखा बनेगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप अपनी पसंद का ऑयल या घी ले सकते हैं। पराठा अच्छे से दोनों साइड से पक चुका है, कलर भी आ गया है। आइए अब इस गर्मा गर्म पराठे को सर्व करते हैं बटर और अचार के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।